बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों मित्रों को कन्हैया ठाकुर का अभिनंदन। आज मैं आपके लिए झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल से हमारी टीम की खास मुलाकात की जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। हमारे एंकर सुषमा ठाकुर से सांसद ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक बातें रखी। समाज की दिशा बदलने के लिए उन्होंने एक नई सोच दी है। मृत्यु भोज का उन्होंने विरोध किया है। इससे बचने वाले पैसे से क्षमता अनुसार सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यों में सहयोग करने की सबों से अपील की है बिहार 24 सच से सामना के माध्यम से। सांसद ने स्वजन की मृत्यु के बाद कर्मकांड पूजा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है, पंडित और हमारे शास्त्र में जो भी विधि विधान है उससे पूजा होनी चाहिए। कर्मकांड और पूजा में शामिल सभी पंडितों को उन्होंने ब्रह्म की संज्ञा दी है, जबकि भोज में शामिल होने वाले अन्य लोगों को उन्होंने ब्राह्मण की संज्ञा दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पूजा करते हैं, जो पंडित हैं, वह ब्रह्म हैं, उनका आदर पूर्वक भोजन होना ही चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं। अन्य जितने भी लोग हैं उनको ब्राह्मण की संज्ञा देकर उन्होंने ब्राह्मण भोज का विरोध किया है। उन्होंने खुद क्या कहा आप स्वयं उनकी जुबानी सुनेंगे। ब्राह्मण और ब्रह्म भोज में आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो, इसलिए हमारा दायित्व था कि उनके खास मुलाकात प्रस्तुत करने से पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं। इसके बाद सांसद ने झंझारपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज, एशिया का सबसे बड़ा कोसी महासेतु, रेलवे के द्वारा निर्माण कार्य में मिल रही विभिन्न प्रकार की शिकायतों के बाबत भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम होना ही चाहिए। जल्द ही वे स्वयं अपनी टीम बनाकर निर्माण की गुणवत्ता को देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी CM के प्रयास से जैसा निर्माण झंझारपुर में शुरू हुआ है वैसा होने में दशकों लग जाते हैं। इसके अलावा हाल के दिनों में मीडिया में उनके हवाले से आई एक खबर के बाद हुए कन्फ्यूजन पर भी उन्होंने अपना बेबाक स्पष्टीकरण रखा है, जिसमें सड़क दुर्दशा के की बात एक राजद कार्यकर्ता से जानकारी मिलने के बाद फंड देने की बात कही गई थी और वह समाचार काफ़ी वायरल हुआ था। इस संदर्भ में भी सांसद ने अपना सीधा पक्ष रखा है। उन्होंने हर किसान के खेतों तक बिजली पहुंचाने, स्टेट बोरिंग की सुविधा बहाल करने, क्रमवार किसानों को सभी सुविधा देने पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संवेद प्रयास का चर्चा कर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हो रहे प्रयास के बाबत भी उन्होंने अपनी बातें बड़ी स्पष्ट तरीके से कही है। आप स्वयं सुने सांसद रामप्रीत मंडल को हमारे एंकर सुषमा ठाकुर के साथ। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ माननीय सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। बिहार 24 सच के सामना के सभी सदस्य जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज इनके आवास पर आए हुए हैं। जी सर, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं आपके चैनल जो बिहार 24 सच का सामना, गरीब गुर्जर का, किसानों का, अति पिछड़ों का, दलित शोषित वर्गों का चैनल है, नॉर्थ बिहार में आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है। हमारे इस दुख के घड़ी में आप सम्मिलित होने के लिए आए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। जी सर, अभी आपका कुछ दिन पहले ये कहना था कि जो है मृत्यु भोज पर हम रोक लगाना चाहते हैं और कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए भी आपने ये डिसीजन लिया है कि मृत्यु भोज जो है वो हम नहीं करेंगे। तो सर, इस पे आपका बहुत लोग जो है समर्थन भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो आपने डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन सर, कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि आप जो ये डिसीजन लिए हैं उसमें मृत्यु भोज में जो है वो ब्रह्म भोज या फिर ब्राह्मण भोज पर आप रोक लगाना चाहते हैं। सर, ऐसा है सुषमा जी, कि मेरे पिताजी 95 साल के बाद स्वर्ग को सिधारे हैं और हम लोग हमेशा उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं। उनका एक सपना था, क्योंकि हमारे कास्ट के जो हमारे जात होते हैं, जिस जाति से हम आते हैं, उस जाति के वो मंजन भी थे। ये गांव बहुत बड़ा गांव है, तो उनका एक सपना था कि कोई शुरुआत तो करे कि ब्राह्मण भोज नहीं हो। तो उनके सपना को साकार करने के लिए मैंने प्रयास किया हूँ और साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है
कि ब्राह्मण भोज या ब्रह्म भोज दो भागों में बांटा गया है वो कम से कम नहीं हो, इसीलिए कि उस भोज में जो पैसा की बिना मतलब का खर्च, बिना मतलब का नुकसान, बिना मतलब का जो है लोगों के बीच, गरीबों के बीच नहीं जा करके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। मैंने सोचा कि उनके जो सपना है हमारे माननीय हमारे पूर्व हमारे स्वर्गीय पिताजी का जो सपना था उस सपना साकार हो और उसको अनुपालन करने के लिए मैं कोशिश करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैंने घोषणा भी की है। दूसरी बात है कि आप जैसे जानते ही हैं कि पूरे दुनिया भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया भी त्रस्त है इस कोरोना COVID-19 के कारण। बहुत बड़े बड़े लोग हमारे बीच आज नहीं हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र से हो, जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र से हो, बहुत हम लोग ने खोए हैं लोगों को। तो इससे एक मैसेज जा रही है कि डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, मास्क भी लोग लगाएं। दूसरी बात, जो पैसा बचेगा उस पैसे से मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम जो गरीब लड़की जिसकी शादी नहीं हो पाती है समय से, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि गरीब लड़की को खाना मिले, पढ़ाई मिले, कपड़ा अच्छा मिले, तो हमारा भी ये प्रयास है कि उनके जो एक जिस पद चिन्ह पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी लोग चल रहे हैं और हम लोगों को जो उनका पद चिन्ह पर चलने का अनुसरण करने का एक मौका मिला है, जो स्वर्गीय पिताजी का श्राद्ध के बहाने मिला है, तो मेरा कहना है कि ब्रह्म भोज हो, ब्राह्मण भोज नहीं हो। ब्रह्म भोज का मतलब है कि सुबह से शाम तक जो परंपरा चली आ रही है पूजा करने का, पिंडदान देने का, बहुत सारे हैं, तो जो ब्राह्मण आएंगे पूजा करने के लिए तो पेट खाली पेट तो जाएंगे नहीं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनको कम से कम भोजन कराना चाहिए और दो वस्त्र या पांच वस्त्र जो होता है उन लोगों को देना चाहिए। तो ब्रह्म भोज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भोज से आपत्ति है। आपके चैनल से माध्यम से चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कम जो सुनेंगे हमारे झंझारपुर के तथा हमारे बिहारवासी, कम से कम भविष्य में इस तरह का भोज का आयोजन नहीं करें, यही हमारा उनसे मतलब कि आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा, ताकि उसका मैं शुरू किया हूँ एज ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। ये मैसेज अच्छा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से मैसेज आ रही है, बहुत लोग कहते हैं कि आपने अच्छा सराहनीय कदम उठाए हैं। ये तो रही भोज की बात। दूसरी, जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ वो बहुत बैकवर्ड क्षेत्र है जैसा आप सब जानती है, तो मेरा प्रयास ये भी है कि हमारे क्षेत्र के विकास कैसे हो। और जैसे आपने एक सवाल की थी झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिसमें लोगों का ये कहना है कि वहाँ जो मटेरियल गिर रहा है वो सर बहुत ही घटिया मटेरियल है और अभी तक जो है आपके द्वारा या फिर आपके टीम के द्वारा जो है अभी तक निरीक्षण नहीं किया गया है उसका, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सुषमा जी कि वो 2019 के लास्ट में दिसंबर महीने में मेरा जो सांसद प्रतिनिधि है दिलीप भंडारी जी और उनके जो सहयोगी लोग हमारे पार्टी के कुछ जनता मालिक हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ जाकर के इन्होंने बताया कि सर अगर डायरेक्ट अभी बिना प्रोग्राम के आप जाएंगे तो लोगों को होगा मन में कि कुछ कारण, कई कारण आप जानते ही हैं कि कुछ कारण के कारण जो है हमारे माननीय MP साहब इधर आए हैं, जैसा कि वहाँ जाने से लोग बहुत तरह की अफवाहें उड़ा सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ आऊँगा, यानी हम जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी सिपाही हो, चाहे किसान विंग से हो, चाहे मेन विंग से हो, चाहे अल्पसंख्यक विंग से हो, हम लोग सब बैठ के मिल बैठ करके एक साथ सब जाएंगे ताकि इसका जांच करेंगे। और पहली बार मुझे COVID-19 के तहत लोगों ने लाभ उठाया है, डेढ़ साल में जो कोविड का माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तो लोगों ने जाना आना डिस्टेंसिंग बना के रखना वाजिब समझा है, जिस कारण हम लोग समय पर नहीं जा सके। और आज हमारे पिताजी के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही कहना चाहिए, जो कार्यकर्तागण हैं जिसमें किसान सेल के अध्यक्ष
पूरे बिहार के जिला के विपिन सिंह जी आए हैं, विनोद सिंह जी आए हैं, महेंद्र कामत जी आए हैं, कृष्णदेव महतो जी आए हैं, दिलीप भंडारी जी था ही, अनिल मंडल जी आए हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम क्योंकि समय के अभाव में नहीं ले सकता हूँ। सबों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस दुख के घड़ी में मुझे ढांढस बनाने हमारे परिवार में को हमारे बीच आए हैं। और क्या कहूँ सुषमा जी कि मेरे पिताजी मेरे आदर्श थे। एक गरीब के किसान के बेटा जो पढ़े लिखे नहीं थे, 5 क्लास तक पढ़े थे और मुझे आज इस यहाँ तक पहुँचाया। मैं मुखिया भी था, समिति भी था, 2 बार प्रमुख था और माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ के जनता का आशीर्वाद से भारी मतों से जीत करके आपके बीच हूँ। हमेशा मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे जो फंड आएंगे तो फंड से अच्छा काम करूँगा जनता के लिए। सर इस पर लोगों जैसा कि सभी को मालूम है बिहार में जो है सबसे ज़्यादा लोग मृत्यु भोज पर खर्च करते हैं और कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप मृत्यु भोज नहीं करते हैं तो जो उसका जो फंड है या फिर कह सकते हैं पैसा, उस पैसा से सर आप क्या क्या करेंगे सर कुछ शब्दों में? अच्छा, मेरा जो बजट है जी सर सराज कार्यक्रम का, हाँ सर, तो सुषमा जी बताऊँ कि हमारे पूरे ग्रामीणों का विचार हुआ कि गरीब गाँव है और गरीब लड़कियों की शादी के लिए जो बाराती आते हैं, बाराती आती है जी सर, उनको रहने का ठहराव का जगह यहाँ नहीं है। तो मैंने अपना निजी कोष से, पर्सनल पैसे से घोषणा किया हूँ कि एक कम से कम छोटा सा, नहीं बड़ा तो मीडियम साइज का सामुदायिक भवन कहिए या विवाह भवन कहिए या कम्युनिटी हॉल कहिए, वो बनाने का मैं वचन दिया हूँ। बरसात ज्यों ही ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने ग्रामीणों के लिए एक विवाह भवन बनाएंगे बच्चियों की, जिसकी शादी और सारे गांव, सारे समाज के लोग जा कर के उसमें बैठें, भाग लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूं पूरे बिहारवासियों को कि आप लोग इसी तरह का परंपरा को लागू करिए ताकि इसका भविष्य का मैसेज अच्छा जाए। सर एक प्रश्न इस पर यह भी उठता है कि अभी बरसात का मौसम है और इससे सर जो बाढ़ग्रस्त जो एरिया है हमारे आसपास में सर, उससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा जो है समस्या हो रही है खेती में या फिर अनाज में, सर उसके लिए क्या कहेंगे किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए हम लोग प्रयास हैं, रोड के लिए, किसानों को खेती के लिए। जैसा सुषमा जी आप सब जानती है बट नेचुरल है कि COVID-19 में हम लोगों ने बहुत नुकसान किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 सालों से लोगों के घर में 10,000 करोड़ मेरे ख्याल से, जैसा कि मुझे सूचना मिली हुई है, घर घर तक लोगों को पैसा पहुंचाए, अनाज वितरण किए प्रधानमंत्री जी द्वारा। अभी खेती में देखिए, हम लोग का कल भी मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया था माइनर इरिगेशन का, उसमें 7 जगह स्लुइस गेट के लिए मैंने अनुशंसा किया हूं। उसके बाद हर खेत में जो बोरिंग होता है स्टेट बोरिंग लाइक, वो सरकार अनुदान देगी, उस अनुदान में थोड़ा सा अंश जो है किसानों को लगेगा और सिंचाई का बरसात के बाद हर घर में, हर खेत में बिजली जाएगी। कुछ है कि बरसात में कहीं कहीं रोड भी टूट गया, जैसे RCD का रोड हो, RWD का रोड हो, ग्रामीण विकास का रोड हो, वही हाल सर NH-57 का भी है, जगह जगह पर रोड टूटा हुआ है। तो देखिए अभी जो टूट ही रहा है अभी इसको और तोड़ने देंगे, जबकि सर इसका फंड तो रिलीज हो चुका है। नहीं देखिए, फंड रिलीज हुआ है, दिल्ली से रिलीज होने में फिर पटना आता है, पटना आने के बाद फिर कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा विभाग को कितना पैसा मिले। जैसा कि आप जानते होंगे मनरेगा में पैसा मिला 40,000 करोड़ पूरे भारत में, मनरेगा का काम अच्छा हो रहा है। 15वीं वित्त में देखे होंगे आप लोग की अभी डोंगल का सिस्टम, पहले BDO अपने मनरेगा के जो PO होते थे वो खुद साइन करके पैसा निकालते थे। ऐसा तो मैंने नहीं सुना हूँ, मैं अभी मीटिंग किया था 4 रोज पहले, मनरेगा में क्या नया सिस्टम निकाला है कि पहले अपने घर से पैसा लगाइए, उसके बाद पैसा जो कंप्यूटर में लोड होता है तब लोग 1 घंटे के अंदर निकाल करके फिर लोगों को पैसा देते हैं। ये गलत फहमी है, कभी कभी जहाँ जिनको ज़्यादा सोर्स रहता है वो पहले पैसा निकाल लेते हैं, जो लोग पिछड़े हैं मैंने थोड़ा इतना जानकारी नहीं है कैसे पैसा निकासी किया जाएगा, उन लोगों को थोड़ा देरी होता है। लेकिन उसका लेकिन सुषमा जी हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार प्रयत्नशील है, जहाँ रोड नहीं है रोड की NABARD से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और RCD से। अभी आपको मैं पहले बताया था कि हम जब आए हमारे क्षेत्र में यहाँ से अररिया संग्राम से लेकर के तमोरिया के बीच में
बिस्टोल गांव पानी की समस्या थी, उसको मैं 3 दिन पहले हल कराया। हटली नवाब आखिर में करीब भट कमर का पानी था, ये लोखा में पानी था। सारे जो में प्रयास कर रहे हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाए, मैं प्रयास करूँगा, जनता का भी सहयोग होगा, अपेक्षा रखता हूँ। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि अच्छी अच्छी समाज को अच्छी समाचार दीजिए, ताकि लोगों को जागरूक हो, खास करके कोरोना काल में। कोरोना खत्म नहीं हुआ है जी सर, और जागरूक करना आप लोगों का धर्म कर्तव्य बनता है कि बिकॉज यू आर ए फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। और आपके थोड़ा सा प्रयास से हम लोग भी प्रयास करेंगे, हमारा जनता जागरूक होगा। और ज़्यादा मैं आपका वक्त जया नहीं करूँगा, इतना ही कह करके मैं, मेरे बीच जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण आए हुए हैं, हमारे नीतीश कुमार जी के सिपाही आए हुए हैं, सबों को दिल से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप झंझारपुर से चल कर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए मेरे नाम से लोग अपना जो है प्रोपगंडा, ऐसी कोई बात नहीं है किसी के कहने पर। झंझारपुर की जनता को बहुत बड़ी शिकायतें थी 3-4 सालों से, जब मेरे MP बनने से पहले से, सांसद बनने से पहले से, मैंने पर्सनली उनको कहा कि DM साहब, अगर मेरे पैसे से देकर के अगर किसी का एक माहौल जो हमारे झंझारपुर का परिस्थिति खराब वो बन जाता है तो आप बनवा लीजिए। मैं 30 लाख रुपया लिखा था, फिर उन्होंने कहा कि इससे भी नहीं पूरा हो पा रहा है तो 10 लाख और दे दिया। मेरे पास फंड में कुछ है नहीं, जो था वहीं दे दिया। अब रही कुछ लोगों ने, चाहे RJD का हो, चाहे जनता दल यू का हो, चाहे जो भी पार्टी कांग्रेस का हो, अपना अपना नाम के लिए किया। मुझे लोग फ़ोन करते थे, नाम नहीं लूँगा, कि समस्या बहुत ही है, चुनाव लड़ना है, चुनाव होने वाला है, वहाँ का शायद मुखिया क्या है, झाजी कोई है, अमरनाथ झाजी, और एक अमित नाम का लड़का जो है, जो पार्टी में हो, उन्होंने भी फ़ोन किया। तो पार्टिकुलर किसी के व्यक्तिगत कहने पर मैं फंड नहीं दिया हूँ। मैंने, आप देखे होंगे कि वहाँ शिलान्यास करने भी अभी तक नहीं गया जी सर। जी हाँ, तो देखा आपने कि हमारे जो सांसद जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो मृत्यु भोज का जो पैसा बचेगा उसे या तो सामुदायिक भवन या फिर कह सकते हैं कि विवाह भवन बनवाया जाएगा। देखते रहिए बिहार 24 सच से सब।